हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसा बादाम शेक। मार्केट जैसा बादाम शेक बनाने के लिए गैस पे रखेंगे एक पैन और इसके अंदर डालेंगे हम आधा लीटर दूध। सिंपल जो हम घर में यूज़ करते हैं वही दूध लेना है, कोई मार्केट का फुल फैट क्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे घर में आता है वही दूध लेना है और उसके अंदर हमें एक उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। और जब एक उबाल आ जाएगा तब हम उसके अंदर से थोड़ा सा दूध अलग करेंगे। और ये मैंने ली है कुछ बादाम जिसको मैंने रात को अच्छे से भिगो के रख दिया था। ये मेरी 15 से 20 बादाम है और ये मैंने जो रूम टेम्परेचर पे दूध लिया था वो है। इस दूध के अंदर हम थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम हमारी बादाम को छील लेते हैं। तो ये जो हमने बादाम ली थी उसको हमने छील लिया है। आप इसमें ज़्यादा और कम अपने हिसाब से बादाम कर सकते हैं। और दूध के अंदर भी अच्छा उबाल आने लग गया है, तो दूध के अंदर अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने जो दूध अलग किया था उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर। तो हम एक जैसे आधा लीटर ले रहे हैं तो हम उसके अंदर एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। और अगर आप एक लीटर दूध लेते हैं तो उसके अंदर आप 1.5 से 2 टीस्पून ऐड कर सकते हो। अगर आप एक लीटर दूध लेते हो ज़्यादा ऐड करोगे तो उसके अंदर 1.5 चम्मच ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें जब हम बनाना है कस्टर्ड एक लीटर दूध लेंगे तो उसके अंदर आधा एक टीस्पून ही लेना। और ये हमारा कस्टर्ड 1.5 चम्मच और 2 चम्मच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो वो हमारा धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर बन जाएगा। तो ये हमारा दूध हल्का सा उबल रहा है और ये दूध में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से धीरे धीरे गैस पे अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा दूध बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं जो आपको ये शेक बता रही हूँ ये एकदम बाहर के जैसा है। मैंने जितना मेज़रमेंट आपको बताया उस हिसाब से अगर आप बनाते हो तो ये एकदम सही बनेगा। अब जो ये हमने बादाम ली है इसके अंदर थोड़ा सा दूध, आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दूध लेके इसको हमें दरदरा पीसना है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो मैंने ये पीस लिया है, ये ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है, तो इसी हिसाब से हमें इसको पीसना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे केसर। केसर आप चाहे तो दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बादाम के अंदर ही ऐड करके रखूँगी कि थोड़ी देर ये भीग भी जाएगी, इसके लिए मैंने इसको बादाम के अंदर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा दूध थोड़ा मोटा हो जाएगा उसके बाद में हम इसके अंदर हम बादाम डालेंगे। ये देखो थोड़ा सा हल्का हल्का दूध मोटा हो रहा है और इसके साइड में जो भी मलाई जम रही है उसको आप दूध के अंदर ही मिक्स करें, इससे अच्छी हेल्प मिलेगी दूध को थोड़ा और जल्दी मोटा होने में और बहुत जल्दी दूध अच्छे से मोटा हो जाएगा। ऐसे धीरे गैस पे ही थोड़ी देर तक चलाते रहना है। और जो साइड में जो भी हमारे मलाई जमा हो रही है उसको आप धीरे धीरे करके निकाल लो। देखो कितना अच्छा उबाल आ रहा है दूध के अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने बादाम का और केसर का जो पेस्ट रेडी किया था वो। धीरे धीरे करके डालो और अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। जब थोड़ी बादाम भी दूध के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी और दूध थोड़ा और ठीक हो जाएगा। देखो कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का। मैंने कस्टर्ड पाउडर वेनिला वेनिला फ्लेवर का लिया है।
आप चाहे तो इसके अंदर वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो। अब अच्छा दूध के अंदर उबाल आ गया है, अब जैसे मैंने हाफ लीटर दूध लिया है तो इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पीना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप 4 टेबल स्पून ऐड करना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट है, देखो रेडी हो गया है हमारा बादाम मिल्क शेक। ये देखने में नहीं पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इंजॉय कीजिए बादाम मिल्क शेक मेरे स्टाइल में। थैंक यू।